सुजानपुर में प्रत्याशियों द्वारा नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके चलते प्रत्याशियों ने नगर परिषद कार्यालय में नामांकन भरे। हर कोई प्रत्याशी नगर में विकास को लेकर नामांकन दर्ज करवा रहे हैं। सुजानपुर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष मनोज ठाकुर ने वार्ड नंबर 4 से नामांकन भरा है। आपको बता दें कि मनोज ठाकुर लगातार 2 बार अध्यक्ष पर कब्जा जमा चुके हैं। मौजूदा समय में मनोज ठाकुर वार्ड नंबर 3 से पार्षद हैं। मनोज ठाकुर ने कहा कि अगर नगर परिषद अध्यक्ष पद पर कांग्रेस कब्जा करती है तो सुजानपुर में बस स्टैंड की समस्या का जल्द हल करवा दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि टैक्सी स्टैंड की समस्या का जल्द निपटारा करवा दिया जाएगा। ऐसा है कि आज जो मेरे को कांग्रेस का कैंडिडेट 4 नंबर से कांग्रेस पार्टी और जिंदर राणा के शुरुआत से टिकट दिया है, उसके उपचार पूरी करते हुए मैंने आज जो अपना नामांकन पत्र जो है SDM ऑफिस में जमा करा दिया है। बताएंगे क्या प्राथमिकता लेके जा रहे हैं इस बार आप? ऐसा है कि मैं पिछले 5 साल भी पार्षद था, उससे पहले मैंने 10 साल प्रधानी की है, लेकिन जो पिछले 5 साल BJP की सरकार में प्रधानों ने किया है या कमेटी में जो हुआ है उसका लोग खामियाजा भुगत रहे हैं। मेरी सभी शहर वासियों से अपील है कि अगर मनोज कुमार या कांग्रेस की कमेटी जिंदा राणा के जो कैंडिडेट दिए हुए हैं वो जीत के आते हैं तो शहर का नक्शा जो वो बदल दिया जाएगा। सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी कि मैं वार्ड नंबर 4 डोली से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। सालों में जो पिछले 5 सालों में जो 4 नंबर में लोगों की तोहिन की गई है वो BJP के कैंडिडेट की वजह से हुई है। आज वो दिन आ गया है कि BJP का जो कैंडिडेट है जिसने 22वीं प्रधानी की है कमेटी में, उसको ना BJP ने टिकट दिया है ना कांग्रेस का टिकट दिया है। इन सभी लोगों के सामने उसका काम कार्य जो वो आ गया है, लोगों ने नकार दिया, सरकार ने भी उसको अपनी तरफ से नकार दिया है। मनोज जी, अगर आप पार्षद चुन के आते हैं जी, तो क्या पहले क्या काम सोचे हैं अपने को आपने करने के? ऐसा है कि मेरा सबसे पहला मुद्दा होगा कि डोली वार्ड नंबर 4 में जो भी हमारे किसान भाई हैं या गरीब परिवार हैं उनकी जितनी भी जमीन है उसको जंगली जानवरों या पशुओं द्वारा जो है वो उसको बर्बाद कर दिया जाता है। मेरी सबसे पहले प्राथमिकता होगी कि सभी जितनी भी जमीन है वहाँ बल्ले में वहाँ करंट वाली तार जो हमने पिछले 10-15 दिन पहले घोषणा भी की है वो लगाई जाएगी। दूसरा यह है कि जो बस स्टैंड है उसको मेरी प्राथमिकता होगी कि डोली में हर संभव शिफ्ट किया जाएगा। और तीसरे मेरी प्राथमिकता रहेगी कि पहले भी मैं 10 सालों से प्रयास कर रहा था पिछले 10 सालों से कि जितने भी हमारे टैक्सी वाले हैं या ट्राले वाले हैं उनके लिए पार्किंग कोई व्यवस्था नहीं है। कोई प्रधान कहता है कि नीचे चले जाओ, कोई कहता है ऊपर चले जाओ। मेरी सबसे पहले प्राथमिकता होगी कि जहाँ टैक्सी स्टैंड है या ट्राला स्टैंड है वहाँ ही पक्का करके इनका रोजगार जो है वहीं उपलब्ध कराया जाए। मनोज जी, आप अध्यक्ष भी रहे हैं जी सर कुछ साल पहले नगर परिषद सुजानपुर में, और जो अभी का कार्यकाल है, 2 कार्यकाल देखे आपने एक ही टर्म में, ढाई ढाई साल के, कैसे आंकते हैं इस कार्यकाल को आप उनके? मैंने पहले बोल दिया कि जो ये ढाई ढाई साल का कार्यकाल हुआ है ये लोग बता देंगे 10 तारीख को, आने वाले 10 तारीख को 5 बजे के बाद आपको रिजल्ट इसका पता चल जाएगा। अभी 5 सालों में बिजली के पोल लगे थे, ज़्यादा दूर जाने की बात नहीं है, अभी तक उनमें लाइटें नहीं लगी हैं, ज़्यादा तो बड़ी बात ही नहीं करने की। विकास नाम का कोई चीज़ नहीं हुई है 5 सालों में, अपनी अपनी कुर्सी के चक्कर में, ढाई साल में, ढाई साल तू, ढाई साल वो, इसी चक्कर में इन्होंने 5 साल लोगों के वेस्ट किए हैं और लोग इतने हरास हुए हैं कि जितना कोई झूठ बोले। आज लोग बिजली पानी की NOC एक कमेटी से लेनी होती है तो उसके लिए 1 महीना 2 महीने 3-3 महीने लग जाते हैं, लोगों के जूते घस रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी, रजिंदर राणा की पार्टी और रजिंदर राणा की कमेटी बनती है तो मैं दावे के साथ कहता हूं किसी को भी NOC और बिजली पानी के मीटर के चक्कर नहीं लगाने दिए जाएंगे। आज अप्लीकेशन देगा कोई मीटर के लिए तो ठीक, उसको 7 दिन के बाद उस NOC उसके घर में बाइज पहुँच जाएगी।